स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल APS Infotech पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एसी ज़्यादा खतरनाक होती है या डीसी खतरनाक होती है। तो दोस्तों, इसके साथ ही कुछ ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि 220 वोल्ट एसी करंट ज़्यादा खतरनाक है या 220 वोल्ट डीसी करंट ज़्यादा खतरनाक है। उसके साथ ही कुछ एक जो तीसरा सवाल है वो इस तरह का होता है कि दो तार मान लीजिए और दोनों में सेम वोल्टेज का करंट सप्लाई हो रहा है, बस अंतर यह है कि एक में डीसी करंट सप्लाई हो रहा है और दूसरे में एसी करंट सप्लाई हो रहा है, तो किस तार को हमें ज़्यादा इंसुलेट करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, आपके ऐसे ही सवालों का जवाब दूंगा आज के इस वीडियो में, तो वीडियो पे बने रहिएगा लास्ट तक। और उसके साथ ही दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को यहाँ नीचे रेड कलर का जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसे दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके पास आए बेल आइकन को दबा दीजिए और ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, आते हैं वीडियो पे और बात करते हैं कि एसी करंट ज़्यादा खतरनाक होती है या डीसी करंट। तो इसके आपके जो भी आंसर है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और उसके बाद जब ये वीडियो एंड हो जाए तो कंपेयर कीजिएगा कि आपने सही बताया या गलत। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 से 4 ऐसे टॉपिक बताऊंगा जिसमें आपका ये क्लियर हो जाए कि एसी ज़्यादा खतरनाक है या डीसी ज़्यादा खतरनाक है। दोस्तों, सबसे पहला जो है आपका, बात करें कि एसी ज़्यादा खतरनाक है या डीसी। तो दोस्तों, एसी ज़्यादा खतरनाक है। अगर वैसे देखा जाए तो दोनों ही खतरनाक है, लेकिन एसी डीसी के मुकाबले में ज़्यादा खतरनाक है। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप पहला लीजिए। इसमें मैं आपको एक प्रैक्टिकली बताता हूँ कि कभी आपने किसी व्यक्ति को शॉक लगते हुए देखा होगा, तो जब उसे एसी करंट का शॉक लगता है, तो मान लीजिए अगर एसी से करंट से शॉक लगा तो वो इस तरह से वाइब्रेट करता है, उसकी पूरी की पूरी बॉडी इस तरह से वाइब्रेट करती है। उसके अलावा अगर आप देखें कि उसी व्यक्ति को अगर डीसी करंट लगा तो डीसी करंट में क्या होता है, वो ग्लू की तरह इस तरह से चिपक जाता है। या जी मान लीजिए मुझे ये डीसी करंट लगा तो ये इस तरह से यहाँ पे चिपक जाता है, यानी कि वो हिस्सा ही केवल चिपकता है। तो जो दोस्तों होता क्या है, वाइब्रेट क्यों होता है कि आपको पता है कि जो एसी करंट है उसमें फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे कि ये देख रहे हैं आप, ये फ्रीक्वेंसी होती है। इसमें क्या होता है कि जब आपका करंट है एक टाइम पे यूं देखिए लो होता है, फिर धीरे 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 ऊपर जाता है, अप होता है, फिर लो होता है, फिर धीरे 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 अप होता है और फिर जाके लो होता है। और दोस्तों ऐसा होता क्या है, ऐसा हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज के अंदर आती है, जो इंडिया में फ्रीक्वेंसी लेवल है वो 50 हर्ट्ज है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि आपका 1 सेकंड में 100 बार करंट लो और हाई होता है, यानी कि 1 सेकंड में 100 बार वो छोड़ता है और 100 बार पकड़ता है। तो दोस्तों इससे क्या होती है, आपकी पूरी की पूरी बॉडी वाइब्रेट हो जाती है और इसे जो कहते हैं मल्टीपल शॉक कहते हैं, यानी कि जो एसी में जो शॉक लगता है वो मल्टीपल शॉक लगता है, जिससे आपकी पूरी की पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा आपने कभी जैसे देखा भी होगा कि जो एसी करंट से जो व्यक्ति मरता है उसकी पूरी की पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। उसके साथ ही अगर किसी को डीसी करंट लगता है तो जिस हिस्से पे, यानी कि अगर मैं कहूँ कि मेरे हाथ पे डीसी करंट लगा है तो ये हाथ या ये वाला हिस्सा ही जल जाता है या खराब होता है। उसके अलावा दोस्तों दूसरा पॉइंट देखें तो दूसरा पॉइंट जो है यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, जिसमें आप समझ जाएंगे कि एसी ज़्यादा खतरनाक है या डीसी। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि जो हमारी एसी करंट है वो फ्रीक्वेंसी के अंदर होती है, और वहीं अगर डीसी करंट की बात करें तो डीसी में कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। तो होता क्या है दोस्तों, जब एसी करंट देखें तो आपका ये देखिए ये फ्रीक्वेंसी होती है। अगर हम बात करें जैसे कि मैंने आपसे पहले पूछा था कि एक 220 वोल्ट एसी है और दूसरा 220 वोल्ट डीसी है, तो कौन सी ज़्यादा खतरनाक है। तो दोस्तों अगर हमारे बात करें हमारे घरों में, तो हमारे घरों में 220 वोल्ट जो एसी आती है वो एक्चुअल में 220 वोल्ट एसी नहीं होती है, वो कि एक एसी की आरएमएस वैल्यू होती है 220। अगर उसकी एक्चुअल यानी कि पीक टू पीक वैल्यू देखी जाए तो वो 310 या 311 के आसपास होती है। यानी कि अगर दोस्तों यहाँ पे हम कंपैरिजन करें तो एसी जो करंट है वो डीसी की तुलना में ज़्यादा है, जहाँ कि आपने देखा सेम वैल्यू है लेकिन वो ज़्यादा है, 220 ना होकर 310 या 311 के आसपास है। वहीं अगर डीसी करंट है अगर 220 है तो वो फिक्स 220 ही है। दूसरा, अब वीक टू वीक वैल्यू क्या होता है दोस्तों, तो जो आप ये देख रहे हैं साइन वेव, इस साइन वेव में आप देखेंगे स्टार्टिंग में जो करंट है वो यहाँ पे 0 पे है, उसके बाद ये धीरे यहाँ पे बढ़ा, तो यहाँ पे जो पीक वैल्यू यानी कि हाईएस्ट जो वैल्यू है
ये पीक होती है, और उसके अलावा जब ये नीचे की तरफ जा रहा है इस तरह से, ये देखिए, तो ये जो नीचे वाला जो वैल्यू है, यानी कि ऊपर वाले से नीचे वाले के बीच में जो वैल्यू है, ये होती है हमारी पीक टू पीक वैल्यू। तो जो एसी का जो पीक टू पीक वैल्यू है वो उसकी आरएमएस वैल्यू से कहीं ज्यादा होती है। दोस्तों अगर आरएमएस वैल्यू के ऊपर चाहे तो मैं एक वीडियो बना के अलग से डाल दूंगा। इस वीडियो में मैं बस इतना ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो एसी करंट की वैल्यू होती है वो आरएमएस वैल्यू होती है, फिक्स वैल्यू नहीं होती। यानी कि अगर आप देखिए, अगर किसी व्यक्ति को करंट लग रहा है तो उसे 220 वोल्ट का करंट लग रहा है, लेकिन एक समय पे उसे 310 वोल्ट का भी करंट लग रहा है। जबकि डीसी की अगर बात करें तो डीसी में अगर वो 220 है तो वो केवल 220 ही है। तो ये एक रीजन हुआ फ्रीक्वेंसी की वजह से। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर हम तीसरे टॉपिक पे चलें, तो तीसरा टॉपिक जैसा कि आपको बताया कि दो तारों में सेम करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि 210 करंट फ्लो हो रहा है, बल्कि जबकि एक में एसी करंट है और दूसरे में डीसी करंट है, तो किसे ज़्यादा इंसुलेट करने की आवश्यकता पड़ेगी? दोस्तों ये आप सभी को मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों इसमें जो हमें ज़्यादा इंसुलेट करने की ज़रूरत पड़ेगी वो होगा हमारा एसी करंट। तो दोस्तों तीसरा रीज़न ये है। उसके अलावा अगर फोर्थ रीज़न की बात करें तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि एसी से पहले डीसी का आविष्कार हुआ था, यानी कि डीसी करंट का आविष्कार पहले हुआ था, और जो डीसी कंपनी थी वो थी थॉमस एडिसन द्वारा बनाई गई थी। उसके बाद ही जब एसी करंट का आविष्कार हुआ और एसी जो करंट था उसका आविष्कार किया निकोला टेस्ला ने, उसके बाद ही एसी डीसी वार छिड़ गया था। दोस्तों ये एक सच्ची घटना है, इसके ऊपर पिक्चर भी बनी चुकी है। तो दोस्तों इस जो एसी डीसी वार हुआ इसके अंदर फिर एसी और डीसी दोनों के ऊपर टेस्ट और रिसर्च भी किया गया, जिसमें पाया गया कि जो एसी करंट है वो ज़्यादा डेंजर है और डीसी करंट के मुकाबले में। तो दोस्तों उसके बाद भी हम एसी करंट को, उसके कई सारे बेनिफिट्स होने की वजह से एसी करंट को उस समय भी यूज करते थे और एसी करंट को इस समय भी यूज करते हैं। तो दोस्तों ये सभी इन्फॉर्मेशन से आपको पता चल गया होगा कि एसी करंट ज़्यादा खतरनाक है या डीसी करंट ज़्यादा खतरनाक है। और उसके अलावा अगर बात करें तो इसकी जो एसी करंट की है मैग्नीट्यूड वैल्यू ज़्यादा होती है, इस वजह से एसी करंट डीसी करंट की तुलना में ज़्यादा खतरनाक है। तो दोस्तों अब आपसे आखिरी है कि अगर आपसे कोई पूछता है कि एसी करंट और डीसी करंट में कौन ज़्यादा खतरनाक है, तो दोस्तों आपको जो आंसर देना है वो आपका आंसर इस तरह से होगा कि एसी करंट और डीसी करंट दोनों ही खतरनाक है, लेकिन अगर कंपेरिजन किया जाए तो डीसी के मुकाबले में एसी करंट ज्यादा खतरनाक है, वो कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से। उस पॉइंट ऑफ व्यू में आप उसकी फ्रीक्वेंसी भी बता सकते हैं, मल्टीपल शॉक बता सकते हैं, एसी का फ्रीक्वेंसी बता सकते हैं, उसके अलावा जो उसका पीक टू पीक वैल्यू है वो डीसी की तुलना में ज्यादा होता है। तो दोस्तों ये सभी रीजन से आपको समझ में आया होगा कि एसी करंट डीसी की तुलना में ज्यादा खतरनाक क्यों होती है। तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और उसके पास आई उस घंटे को दबा दीजिए और ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिए, ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। और वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो दोस्तों बस एक शेयर व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज या जहां भी आपका मन हो वहां कर दीजिएगा। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऐसी वीडियो के लिए हमारे वीडियो पर बने रहे। थैंक्स अलॉट।